Thank you.
पर्व चल रहा है और शक्ति की उपासना का ये पर्व शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नौ शक्तियों की भक्ति के लिए सनातन काल से मनाया जाना है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। नौ दुर्गा, वास्तव में दुर्गा कौन है? शिव महादेव की पत्नी पार्वती ही का विस्तार है, जो पार्वती मैया है उनका ही विस्तार है और वो नौ दुर्गा के रूप लेकर क्या करती है? भौतिक सृष्टि का पालन करती है, पोषण करती है, दुष्टों का संहार करते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान ने इतना बड़ा इतना भयंकर कार्य है दुष्टों का विनाश करना, वो किसको दिया है? किसको दिया है? माता को दिया है, एक स्त्री को दिया है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो वैदिक संस्कृति है उसमें स्त्रियों को कितनी महानता दी गई है। भगवान की जो सबसे महान कार्य है, जो ये देखो कितना इस बात का प्रमाण है कि स्त्रियों की महिमा का स्थान यहाँ भौतिक जगत में हम देखते हैं। भगवान की सृष्टि के संचालन के जो सबसे बड़े बड़े महान कार्य है वो भगवान ने स्त्रियों के हाथ में दे दिए हैं, है ना। धन की देवी कौन है? लक्ष्मी माता। वो धन प्रदान सबसे ज्यादा हम देखते ना भौतिक जगत में, सब धन के पीछे जाते हैं ना। तो धन की देवी कौन है? लक्ष्मी माता। और उसके बाद एजुकेशन की देवी है ना, जो ज्ञान की देवी है वो कौन है? देखो ज्ञान की कोई देवता नहीं है, ज्ञान की भी देवी है, धन की भी देवी है। और ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती। और उसी तरह से इस भौतिक जगत में हम देखें, इस भौतिक जगत को राक्षसों से रक्षा करने का भार भी भगवान ने किसको सौंपा है? दुर्गा मैया को। दुर्गा मैया, दुर्गा देवी जो है वो इस दुर्ग की रक्षणी है। दुर्ग किसको बोलते हैं? दुर्ग कहते हैं किले को। भौतिक जगत जो है वो एक किले की तरह है और किला जो होता है, अगर कोई गवर्नमेंट होती है तो उस गवर्नमेंट में एक कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और अगर उस रूल्स एंड रेगुलेशन को कोई फॉलो नहीं करता है तो जो गवर्नमेंट होती है वही कुछ ऐसा इंतजाम करती है, कुछ ऐसा तरीका बनाती है कि उनको जो गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करेंगे उनको क्या दी जाएगी? पनिशमेंट दी जाएगी। तो उसके लिए कोई ना कोई जेलर होता है। तो दुर्गा मैया कौन है? सुपरिटेंडेंट। इस भौतिक जगत, इस भौतिक ब्रह्मांड का जो ये किला है उसकी जेलर है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो हमें समझना ही पड़ेगा, जो जेलर होता है वो जो अपराधी होते हैं उनको सजा तो दे सकता है लेकिन वो कभी भी जो जेलर होता है वो नियम को बनाता नहीं है, नियम जो तोड़ता है उसको पनिशमेंट देता है ना। जेलर का काम क्या होता है? जो अपराधी होते हैं जो नियम को तोड़ते हैं उनको सजा देना। तो हमें ये जानना पड़ेगा। अभी कभी कभी हम लोग देखते हैं पिक्चर्स में, मूवीज में, स्टोरीज में कि देवी माता जो है वो राक्षस का वध करती है ना, शिंब शंब निशंब और दूसरे जो बड़े बड़े राक्षस हैं उनका वध करती। तो हमको देख के लगता है वाह ये तो सब राक्षस हैं, इनका तो वध होना ही चाहिए, माता ने बहुत अच्छा किया कि इनका वध कर दिया, रक्तबीज है, ये अलग अलग राक्षस है। असल में ये राक्षस कौन है? राक्षस किसको कहा जाता है? हमारे हृदय की कुछ प्रवृत्तियां हैं जो राक्षस की। राक्षस का मतलब ये है जो नियम को फॉलो नहीं करता है, जो रूल्स को नहीं फॉलो करता है, आज्ञाओं का उल्लंघन करता है उसको राक्षस कहते हैं। ये मैंने कह रही हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 15 से ये जानेंगे
कि ये राक्षस कौन है जिनका वध कौन करती है। अभी देखो कुछ लोग क्या करते हैं, माता को प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि देते हैं, कोई दुबे की बलि देते हैं, कोई किसी की बलि देते हैं। तो वो बेचारे राक्षस हैं क्या? कोई बकरा राक्षस है? कहीं किताब में लिखा हो बकरा राक्षस है, इसको मारना ही है ना माता का कार्य, ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर? या किसी किताब में आप लोगों ने पढ़ा हो कि माता रानी को बकरे का मांसाहार करना पसंद लगता है? कहीं लिखा है कि भाई बकरा या फिर नॉन वेजिटेरियन खाना माता को पसंद है? असल में क्या है, माता तो वैष्णवी है ना, माता का नाम क्या है, वैष्णवी जनमोहनी। श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा गया है कि वो वैष्णवी है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो माता कुछ, अभी कुछ लोग सही तरह से पूजा करते हैं, कुछ लोग गलत तरह से पूजा करते हैं। जो गलत तरह से पूजा करते हैं उनका इतना दोष नहीं है, असल में उनको सही तरह से इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली है, उनको सही तरह से बताया नहीं गया। अब माता कौन है, जग जननी है, हम बोलते जग जननी महा जग जगदम्बा है, जगत माता है। किसकी माता है? जगत माता है। ऐसे कोई बोलेगा जगदम्बा दुर्गा मैया खाली मेरी माता है, ऐसा बोलेगा कोई? खाली मनुष्यों की माता ऐसा बोलेगा? किसकी माता है? जगत माता। तो जगत में क्या, वो बकरा जगत का हिस्सा नहीं है? वो जिसका हम मांसाहार करते हैं, वो चिकन वो मटन, ये क्या जगत का हिस्सा नहीं है? तो माता तो उनकी भी माँ है ना। इसीलिए देखो जो माता के पुजारी हैं वो भी क्या करते हैं, 9 दिन तक बिल्कुल मांसाहार नहीं करते, है ना, ये नियम है। माता के पुजारी क्या करते हैं, 9 दिन तक क्या करते हैं, क्या नहीं खाते? मांसाहार, और नहीं क्या, और क्या नहीं खाते? लहसुन प्याज भी नहीं खाते, एकदम वैष्णव। क्यों करते हैं 9 दिन तक? माता को प्रसन्न करने के लिए। वो जानते हैं कि माता को ये चीज पसंद नहीं है, तो हमें माता को प्रसन्न करने के लिए ये काम नहीं करने चाहिए। तो वो माता कितनी खुश होती होगी 9 दिनों में कि वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, एकदम वैष्णव, क्योंकि वैष्णवी को खुश करना है। तो वैष्णव बनते हैं, सुबह उठते हैं, नाम जप करते हैं, शास्त्र सुनते हैं और उपवास करते हैं, और नॉन वेजिटेरियन तो बिल्कुल नहीं खाते, लहसुन प्याज भी नहीं खाते। क्यों? किसके लिए? माता को प्रसन्न करने के लिए। तो एक क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं, जिस माता को वो 9 दिन तक, जिस विघ्न को, जिस माता मानकर जिसकी पूजा कर रहे हैं, क्या 10वें दिन उनमें से माता चली जाती है? जो 10वां दिन होता है, जिस दिन वो उसी माता के सामने खाते हैं, तो क्या उस दिन वो माता को प्रसन्न करना नहीं चाहते? या माता को बस 9 दिन में ही प्रसन्न किया जाना चाहिए, बाकी भले माता क्या, ये तो इस बात की गारंटी है कि माता तो जगत जननी है, सबका अधिकार है, सबकी माता है, तो वो कभी भी खुश नहीं होगी कभी पशु हत्या से। क्या खुश होगी? कोई माँ कभी अपने बच्चे की हत्या से खुश हो सकती है? नहीं हो सकती। तो खाली 9 दिन में ही माता को प्रसन्न करना चाहिए, माता को तो सदैव प्रसन्न करना चाहिए, कभी भी। माता का तो स्वरूप ही दया का है, जब माँ शब्द निकलता है ना, तभी उसके साथ एक हृदय के अंदर एक आवाज आती है कि यहाँ से कृपा होगी, यहाँ से दया होगी, वहाँ क्रूरता नहीं होती है। माता कभी क्रूर नहीं हो सकती है, माता कभी दूसरों को दुख देने वाली नहीं हो सकती है। तो फिर हम सोचे कि भाई माता फिर राक्षसों का तो वध करती है, माता तो सबके ऊपर कृपा करने वाली है, तो फिर राक्षसों का कैसे वध कर देती है? तो असल में क्या, ये उनकी ड्यूटी है। श्रील प्रभुपाद जी सुंदर एग्जाम्पल से माता के विषय में समझाते हैं कि जैसे एक पिता होता है, पिता अपनी संतान से बहुत प्यार करता है, सब प्यार करते ना अपनी संतान से, तो कोई भी पिता अपनी संतान को दंड देना नहीं चाहता है। कोई चाहता मेरा बेटा दुखी हो, उसको दुख मिले, उसको दंड मिले, नहीं चाहता है। लेकिन साथ ही साथ में क्या चाहता है एक पिता, कि मेरा जो संतान है वो एजुकेशन प्राप्त करे, एक सभ्य जीवन और सफल जीवन प्राप्त करे। तो वो खाली अपने बेटे को घर पे लग्जरियस लाइफ नहीं देता, उसके साथ साथ क्या देता है, बेटे को
एजुकेशन प्राप्त करने के लिए एक अच्छा एक फर्म एंड एक स्ट्रॉन्ग टीचर भी रख के देता है ना। और टीचर क्या करता है, उसको सिखाता है। जब भी गलती करेगा तो उसको जोर से थप्पड़ भी लगेगी है ना, उसको बेंच पे भी खड़ा। असल में टीचर का क्या काम, क्या मारना है? टीचर का काम क्या है बेटा, आप बताओ, आप बताओ टीचर का काम क्या है? हाँ, मारना, हाँ पढ़ाना है। टीचर का काम तो पढ़ाना है, सिखाना है। लेकिन क्यों टीचर पनिशमेंट भी क्यों करता है, मारता क्यों है? क्योंकि हम सही से सीख नहीं पाते, जो वो सिखाता है वो हम सही से सीख नहीं पाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, भगवान जो है वो पिता के समान है, भगवान पिता के समान है, वो सिर्फ हमसे प्यार करते हैं। भगवान कभी भी हमें दुखी नहीं देख सकते, लेकिन वो जानते हैं कि अगर खाली प्यार करते रहेंगे तो हम नालायक हो जाएंगे है ना, हम जब कुछ सीखेंगे नहीं। तो भगवान हमें सिखाने के लिए इस भौतिक जगत में ट्यूटर रखते हैं, एक टीचर रखते हैं, जिनका नाम है दुर्गा मैया, महामाया, महाशक्ति। भगवान उस शक्ति को ये कार्य देते हैं कि जब भी भौतिक जगत में कोई आएगा ना, उसको अपने त्रिशूल से कष्ट देना। त्रिशूल क्या है, माता के हाथ में त्रिशूल होता है ना, त्रिशूल क्या है? त्रिशूल के अंदर तीन नोकदार और ऐसे नोके बनी हुई, वो लगती है तो बहुत कष्ट होता है दुष्टों को। तो क्या होता है, वो तीन ताप कौन से हैं? एक है आदि दैविक, यानी देवताओं के द्वारा कष्ट। अब देखो भौतिक जगत में जब हम आते हैं तो ये हमने एक नालायकी की जिसकी वजह से हमें आना पड़ा। क्या नालायकी की? हमने भगवान के आदेश का पालन नहीं किया। भगवान ने बोला आपको क्या करना है, मेरी भक्ति करनी है, हमने कहा नहीं, हम आपकी भक्ति नहीं करेंगे, हम भौतिक जगत में जाकर मेटेरियल एंजॉयमेंट से अपने आप को इंद्रिय तृप्ति कराएंगे। तो भगवान ने कहा ये तो देखो मेरी बात मानता नहीं है और भौतिक जगत में जाना चाहता है, अब उसको किसी तरह से ये रियलाइज हो कि ये मेरा फैसला सही नहीं था, तो इस भौतिक जगत में हमको भेजते हैं। और भौतिक जगत का जो ये डिपार्टमेंट है वो दुर्गा मैया को भगवान देते हैं और तीन प्रकार के दुख देती है। क्योंकि अब देखो हर एक काम करने के लिए भगवान ने किसी देवता को नियुक्त किया है ना, जो बड़े बड़े देवता हैं उनको भगवान ने कोई ना कोई कार्य दिया है। जैसे वर्षा, वर्षा के लिए क्या किसको दिया है कार्य, वर्षा का डिपार्टमेंट इंद्रदेव को, और जल का डिपार्टमेंट वरुण देव को, उसी तरह से वायु का डिपार्टमेंट पवन देव को। तो बड़े बड़े जो देवता हैं भौतिक सृष्टि के एडमिनिस्टर, ये जो यूनिवर्स में एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके सारे पार्ट्स में वो जो रूल्स हैं, जो उनके द्वारा वो दो काम करते हैं, जो देवता है वो दो तरह से काम करते हैं। एक तो उस वो जो उनका एक चार्ज है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो होता है वो करते हैं, और दूसरा सेकंड में वो ये बताते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, वो भगवान की आज्ञा का भी पालन करते हैं। तो उनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, जो देवता होते हैं उनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, और उनमें से एक पावर क्या होता है, वो भक्ति स्वीकार करते हैं। जो हम भक्ति करते हैं वो स्वीकार करने का भी पावर है और वरदान देने का भी पावर है। ये देवताओं के पास है, माता रानी के पास भी है, सारे देवताओं के पास कुछ न कुछ वरदान देने का पावर है। लेकिन वो सारे देवता जानते हैं कि हम हमारे पास जो है वो किसी भी जीव को जन्म मृत्यु से छुटकारा दिलाने का पावर नहीं है। वो इस भौतिक जगत में आपको सुख दे सकते हैं, आपको धन दे सकते हैं, आपको कोई भौतिक वस्तुएं दे सकते हैं, लेकिन जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त प्रदान करने का पावर जो वो देवताओं के पास नहीं होता। और देवता ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारी ये पोस्ट है, जो देवता की जो पोस्ट है वो क्या है, वो टेम्पररी है। हमारी इंटरनल पोस्ट क्या है कि हम सब भगवान के भक्त हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है
कि दुर्गा मैया की पोस्ट क्या है। श्रीमद् भागवतम में दुर्गा मैया के बारे में बताया गया, दुर्गा मैया क्या है, वैष्णवी जनमोहिनी। ये वैष्णवी है और सारे जगत को मोहित करने वाली है, माया में डालने वाली है। और ये माया किसकी है, ये भगवान ने कहा श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14 में भगवान ने कहा मेरी है मामा माया। ये जो है गुण वाली, तीन गुण वाली जो माया है वो मेरी माया है और इसे पार करना बहुत बहुत कठिन है। तो असल में क्या होता है, साधारणतया हम क्या जानते, जो वैष्णव होते हैं वो बड़े ही कृपालु होते हैं। जब हम किसी वैष्णव के शरण में आते हैं, वैष्णव के दर्शन होते हैं, तो क्या होता है वो हमें आध्यात्मिक जगत के मार्ग पर लेकर जाते हैं। और ये वैष्णवी ये कैसे, जगमोहनी कैसे है, माया में फंसाने वाली कैसे है, एक्चुअली जो दुर्गा मैया है उनका कार्य ही ये है। भगवान ने उनको ये कार्य दिया है, वो अपनी इसी सेवा से, क्या सेवा है उनकी, वो पीता प्रदान करती है। देखो अगर इस भौतिक जगत में हम आए हैं और भगवान ने कहा ये भौतिक जगत कैसा है, अनित्यम असुखम लोकम, इस भौतिक जगत में जो आएगा उसको सुख नहीं मिलेगा। इसका मतलब मिलेगा तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा तो दुख मिलेगा। अब ये भगवान ने कह दिया इस भौतिक जगत में जो भी आएगा उसको क्या मिलेगा, तो दुख देने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। जैसे अगर हम कोई बहुत बड़ा फंक्शन रखते हैं और हम उस जगह पे बोलते हैं यहाँ पर जो भी आएगा उसको आइसक्रीम मिलेगी, है ना, आइसक्रीम मिलेगी, मैंने तो बोल दिया, हमारा प्रोग्राम है, अब मैंने बोल दिया तो किसी ना किसी को तो रखेंगे ना भाई, आपको आपका काम क्या है, जो भी आएगा उसको। उसी तरह भगवान ने बोला देखो ये भौतिक जगत है, यहाँ पर जो भी आएगा उसको क्या मिलेगा, आइसक्रीम नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। तो जो दुख भगवान ने कह दिया तो देने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो ये भगवान ने दुर्गा मैया को डिपार्टमेंट दिया, देखो तुमको तीन प्रकार के दुख देने हैं। कौन कौन से दुख देने हैं, आदि दैविक दुख देना है। आदि दैविक दुख कौन होता है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, लोग भूखे मरते हैं, तो कभी भूचाल आ जाता है, कभी कभी फ्लड आ जाता है, और लोग क्योंकि ना रोज रोज हत्याएं होती है, रोज रोज मृत्यु होती है, आदि दैविक कष्ट कितने मिलते हैं। और दूसरी आदि भौतिक दुख मिलते हैं, कभी कभी है ना छोटा सा वायरस आकर पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है, तो कभी कोविड टाइफाइड हो जाता है, कभी डेंगू हो जाता है, कभी छोटा सा मच्छर, क्या औकात है उसकी, उसके अंदर तो कोई इतनी शक्ति नहीं है, किसी ने तो उसको भी शक्ति दी होगी ना, कितना बड़ा, इतना बड़ा हमारे लिए डेंजर, इतना बड़ा खतरनाक साबित होता है। तो ये सारी शक्ति जो है योग माया के द्वारा उसको मिलती है, ताकि इस भौतिक जगत में जीवों को दुख मिलता रहे, दुख मिलता रहे, और कभी कभी तो कोई दुख नहीं देता, आध्यात्मिक कष्ट मिलते हैं हमको, और है ना हम अपने शरीर से अपने मन से दुखी होते हैं, ताकि हमें ये याद रहे कि ये भौतिक जगत जो है वो सुखी होने की जगह नहीं है, ये भौतिक जगत आनंदित होने की जगह नहीं है। इन दुखों से घबराकर हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि महामाया हमें दुख मत दो, या भगवान हमें दुख क्यों आ रहे हैं, हमें दुख दुख से बचाओ, हमें दुख मत दो। हमें बल्कि ये याद करना चाहिए कि हम जिस जगह पर आए हैं वो जगह ही दुखों वाली है। तो जब भी दुख आए तो हमको एक बात याद रखनी है कि हमको क्या करना है, इस भौतिक जगत से छूट कर भगवान के धाम पर जाना है। तो ये योग माया का, दुर्गा मैया का ये कार्य है कि जीव को कंटिन्यूस ये याद दिलाती रहे दुखों के द्वारा कि ये संसार आपके रहने की जगह नहीं है, ये संसार आपके रहने की जगह नहीं है, ये दुख भोगने की जगह है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। इसलिए जो दुष्ट है उनको मैया प्रताड़ित करती। तो आप बोलोगे मैया तो खाली दुष्टों का हनन करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए आई है, हम तो अच्छे लोग हैं, तो दुष्ट कौन है, वो खाली
जो जिसके सर पे सींग होते हैं, जिनके बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, जो बहुत ही क्रोध वाले होते हैं, वो नहीं होते हैं दुष्ट। दुष्ट कौन होते हैं भगवान बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 15 सातवें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं दुष्ट कौन है। ये बात तो सब सब जानते हैं ना, असुर संहारिणी, दुष्टों को मारने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली माता है, ये तो सब जानते हैं ना। लेकिन दुष्ट कौन होते हैं? क्या खाली महिषासुर दुष्ट था? क्या खाली रक्तबीज दुष्ट था? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था कि वो दुष्ट थे? ऐसा उन्होंने किया क्या था कि उनको दुष्टों की लिस्ट में खड़ा किया? उन्होंने बस इतना किया था भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं गए थे। अगर हम देखें तो जो जिनको दुष्ट कहा जाता है ना, वो सारे भगवान की भक्ति नहीं करते। और भगवान कहते हैं दुष्ट कौन होते हैं, मेरे साथ पढ़िए, नमः दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययाप कृतज्ञाना आसुरं भावं आश्रित नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापवृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। तो भगवान जो त्रिलोकी के नाथ है, वो यहाँ पर दुष्ट की डेफिनेशन बताते हैं। दुष्ट कौन होता है? नवाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण ग्रहण नहीं करता। दुष्ट कौन है भगवान कहते हैं? जो मेरी शरण ग्रहण नहीं करता। कौन बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करता, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं करता, जो भगवान श्री कृष्ण के आदेश हैं उनको फॉलो नहीं करता। तो भगवान बोलते हैं नराधम, वो दुष्ट हैं, वो मूर्ख हैं, वो नराधम। नर कहते हैं मनुष्य को, अधम मना नीच। भगवान बोलते हैं वो नीच मनुष्य है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते। कि और भी क्या होता है? माया प्रवृत्त ज्ञाना, मेरी माया उनका ज्ञान भी हरण कर देती है। फिर वो सोचते हैं भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति ही मेरा लक्ष्य है। फिर वो किसी भी तरह से सारे अपराध करके खाली अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। और आसुरम भावम आश्रिता, वो असुरों के जैसी प्रकृति प्राप्त करते हैं। असुरों की खाली एक ही मेंटेलिटी, दुष्टों में और सज्जनों में या भक्तों में एक ही डिफरेंस है। दुष्ट जो होते हैं, असुर जो होते हैं, वो भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, भगवान के आदेश को पालन नहीं करते। और जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान के आदेश का पालन करते हैं। तो हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि दुर्गा मैया खाली रक्त बीज का या शुभ ऋषभ का वध करने के लिए नहीं आई है। आज भी अगर हम में से कोई भगवान के आदेश का पालन नहीं करेगा, आज भी अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान के जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो हम भी कौन है? हम भी दुष्ट है। और डेफिनेटली मैया का कार्य है कि वो हम सबका विनाश करे। बार बार हमें दुख इसीलिए मिलता है ताकि हम ये याद रखें कि भौतिक जगत में हम आए हैं आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने के लिए। और भौतिक जगत में दुख देकर मैया बार बार हमें ये रियलाइज कराती है, याद दिलाती है कि तुम जहाँ सुख ढूंढ रहे हो। अभी देखो ज्यादातर लोग जो है वो मैया के पास क्यों जाते हैं? वो अपने सत्काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाते हैं, है ना। हम हमेशा देखते हैं, सब लोग बोलते हैं माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगा, है ना। वो बोलते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो इसके लिए आते हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को संतान चाहिए, वो ये भौतिक वस्तुएं मांगने के लिए माता के पास जाते हैं। और माता के पास ये शक्ति भी है, वो दे सकती है, लेकिन
बार बार जो भी वस्तु मिलती है, आप देखो, आप हमारे जीवन का ये अपना एक्सपीरियंस है कि हमें जो भी वस्तु मिलती है वो खाली वो वस्तु नहीं मिलती, उसके साथ पूरा चारों ओर लिपटा हुआ दुख मिलता है। भगवान गीता में बताते 5.22 में, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय ते आद्यंत वंत कौनते नतेषु रमते बुधा। आपको जो भी मिला आज तक, आपने बोला होगा कि ये वस्तु प्राप्त करूंगा मैं सुखी हो जाऊंगा, उसी के द्वारा हमें दुख मिलता है। जो धन हम सोचते हैं कि धन हमें बहुत सारा धन जमा करना है, कमाना है, उसके लिए हम कितनी स्ट्रगल करते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं, सुबह से शाम तक हमको वर्क करना पड़ता है, तभी तो हमारे पास है ना धन आता है। वो धन जो सैलरी आती है हाथ में रखते हैं वो तो 25 दिन से पहले खत्म हो जाती है और हमारा दुख शुरू हो जाता है, माइनस में जा रहे होते हैं ना, चाहे कोई कितना भी कमा रहा होता है। धन हमें सुख नहीं दे सकता है, लेकिन धन के द्वारा हमें दुख कितना मिलता है। अगर कोई माता के पास जाए, माता हमें पुत्र दे दो, हमें पुत्र दे दो, तो पुत्र दे सकती है माता, लेकिन जिस दिन वो गर्भ में आता है उस दिन से लेकर जब तक वो धरती पर होता है वो तब तक हम हमारी टेंशन का तो कारण बनता ही है ना। हर वक्त गर्भ में जिस दिन बच्चा आता है उसी दिन से ना लिखा होता है रोज, अभी अभी अपॉइंटमेंट है, अभी इसके बाद अपॉइंटमेंट, और जिस दिन पैदा होता है उसके बाद कभी उसको हॉस्पिटल जाना है, कभी उसको क्या बीमारी हो गई, कभी उसका एजुकेशन है, कभी उसकी फी देनी है, कभी क्या देना है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसको अच्छी स्कूल में एडमिशन चाहिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके लिए हमें अच्छी लड़की ढूंढनी है, नौकरी ढूंढनी है, ये नहीं मिल रहा, अगर खराब दोस्त मिल गए तभी हमें प्रॉब्लम है, थोड़ी देर रात को करके आता है तो भी प्रॉब्लम है, मतलब कितना दुख है एक सुख के पीछे। तो ये माता हमको बार बार रियलाइज, ये दुख जो है वो माता रियलाइज कराती है कि तुम जो भी मांगोगे, चाहे जो भी वस्तु आप मांगते हो मैं वो दे तो दूंगी, लेकिन उसके द्वारा आपको क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। इसलिए तुम ये सोचो कि वास्तव में मैं ऐसा क्या मांगू माता से जो कि मेरे दुखों को खत्म कर दे। ऐसा तो माता तो वो भी दे सकती है, लेकिन हमको मांगना पड़ेगा। और भगवद गीता में तो भगवान ने ये बताया है कि वो बेवकूफ होते हैं जो भौतिक वस्तुएं मांगते हैं। कामस्तस्य मृतक ज्ञाना, जिनका ज्ञान कामनाओं ने हरण कर लिया है वही भौतिक वस्तुएं मांगते हैं। और भगवान जो भौतिक वस्तुएं मांगते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते हैं, वो कौन होते हैं, वो बेवकूफ होते हैं, क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं कि भौतिक वस्तुएं हमारे हमारे दुखों का कारण बन रही होती है, चाहे जो भी है भौतिक। तो कृष्ण जन्म के समय हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण योग माया को एक आदेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आदेश देते हैं कि आप योग माया, आप जो है वो यशोदा मैया के घर में जन्म लीजिए और मैं जो हूँ वो आपका आपका भाई बनकर आऊंगा। और उसके बाद जो है ना यशोदा मैया के घर पे यहाँ वसुदेव जी वहां पर मुझे रखेंगे, आपको लेकर आएंगे। और ऐसा ही होता है, वसुदेव जी जो है वो कृष्ण को नंदगांव लेके जाते हैं और योग माया को लेकर आते हैं। और योग माया को जैसे ही कंस जो है, अब कंस कौन था, कंस किसकी पूजा करता था जानते हैं आप, किसकी पूजा करता था, दुर्गा मैया का पक्का भगत था, कंस राक्षस था। अभी देखो हम ज्यादातर देखते हैं भक्त कौन, जितने भी भक्तों की स्टोरीज है ना भागवतम में, उन सब ने किसकी भक्ति की है, प्रहलाद महाराज ने किसकी भक्ति की, ध्रुव महाराज ने किसकी भक्ति की, भगवान विष्णु ने, मीराबाई ने किसकी भक्ति की, भीष्म पितामह ने किसकी भक्ति की, और गजेंद्र ने किसकी भक्ति की, और जितने भी राक्षस हैं उन्होंने किसकी भक्ति की, महादेव की ओर, क्योंकि उनको पता है भगवान की भक्ति करने से हमें इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलेगी। हालांकि भगवान तो दे सकते हैं, काम सर्व काम मोक्ष काम, लेकिन उनको पता है कि हमको मतलब एक स्वभाव है, राक्षस का एक स्वभाव है कि वो भगवान की शरण में जाता ही नहीं है। भगवान ने कहा नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा। लेकिन जब दुर्गा मैया को
कंस ने जैसे उस आठवें संतान को ऐसे पटकने की कोशिश की तो वो अष्टभुजाधारी दुर्गा का स्वरूप धारण कर लेते और स्वरूप धारण करके कहती है हे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे कुछ लाभ होने वाला नहीं, तुम्हें मारने वाला भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड उस टाइम पर बताती है कि वो परम पुरुष भगवान जो है वो कहीं और जन्म ले चुका है। तो यहाँ से दो चीजें समझ में आती है, एक तो दुर्गा मैया को पहले आदेश किसने दिया कि आपको क्या करना है, वहां पर नंदगांव में जन्म लेना है, ये आदेश किसने दिया, भगवान ने दिया। तो मतलब दुर्गा मैया क्या करती है, भगवान के आदेश का पालन करती है। और दूसरा, जब मैया ने कहा कि कौन जन्म ले चुका है, परम पुरुष भगवान जन्म ले चुके, मतलब मैया वो खुद बता रही है कि भगवान का जन्म हो चुका है और मैं ये तुम्हें बता रही हूँ कि भगवान कहीं और जन्म ले चुके हैं। तो यहाँ पर ये साबित होता है कि दुर्गा मैया भी मानती हैं कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा चाए वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपिचेष्ट तथेक्षते गोविंदमारि पुरुषम। सृष्टि स्थिति प्रलय, ये सारे कार्य करने का डिपार्टमेंट तो भगवान ने दिया है, लेकिन वो चाए वयस्य, वो भगवान की छाया के अनुसार है, छाया के अनुरूप है, और वो इच्छानुरूप है। जैसे भगवान की इच्छा होती है उसी की तरह से दुर्गा मैया जो है वो कार्य करती है। असल में दुर्गा मैया कौन है, शक्ति स्वरूपा है। क्या है, शक्ति स्वरूपा है दुर्गा मैया, शक्ति है। और शक्तिमान कौन है, भगवान शक्तिमान है, भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है। अब जैसे हमने कहा दुर्गा मैया जो है वो देवी पार्वती का विस्तार है। जितने भी अवतार है, जितने भी देव हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है, भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है। पहले सारे अवतार होते हैं, मत्स्य कच्छप वराह वामन नरसिंह, ये सारे अवतार, उसके बाद सारे मुख्य देवता ब्रह्मा विष्णु, वो सब भगवान श्री कृष्ण के विस्तार है। उसी तरह से जो देवियां हैं, सारी देवियां जो हैं, उनकी मूल, जिस तरह से सारे अवतारों के अवतारी भगवान श्री कृष्ण है, उसी तरह से सारी देवियों, सारी शक्तियों के जो मूल है वो श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी से ही सारी देवियां, सारी शक्तियां प्रकट होती हैं। और दुर्गा मैया जो पार्वती मैया है उन्हीं का एक स्वरूप है। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना चाहिए कि जब जीव भगवान की इस शक्ति में, इस भौतिक महामाया में जब जकड़ा जाता है, तो फिर उससे निकलने का क्या उपाय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दैवी ये शगुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया है उसको क्रॉस करना बहुत कठिन है, क्योंकि मेरी माया है तो मेरी शक्ति को कोई पार कैसे कर सकता है। तो अगर हम कहें कि भगवान इसको पार कैसे किया जाए, अगर इसको इससे निकलना कठिन है, तो भगवान बताते हैं इसका एक ही उपाय है, माम एव ये प्रपद्यन्ते, अगर कोई मेरी शरण में आएगा तो उसको आसानी से पार कर जाएगा। और हम देखते हैं कि दुर्गा मैया जो है वो बहुत प्रेम करती है जो भगवान के भक्त होते हैं उनसे, अपने भक्तों से भी ज्यादा जो है वो दुर्गा मैया भगवान श्री कृष्ण के भक्तों से प्रेम करते हैं। आप बोल तो इससे कैसे हो सकता है, सब अपने भक्तों से ज्यादा प्रेम कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक इतिहास है हमारे भागवत महापुराण में, भागवत महापुराण के छठे स्कंद में महाराजा भरत जो कि बाद में जड़ भरत का स्वरूप लेकर आते हैं, एक बार क्या होता है वो जंगल में बैठे होते हैं, जंगल में बैठे होते हैं तो अचानक से कुछ देवी के पुजारी होते हैं, ये भागवत की सच्ची घटना है। देवी के पुजारी क्या करते हैं, वो सोचते हैं आज हम देवी को नर की बलि देंगे, नर बलि देंगे, और ढूंढते हैं किसी
किसी व्यक्ति को जिसका हम बलि दान कर सके मैया के पास। तो ढूंढते ढूंढते उनको कौन मिलते हैं? जड़ भरत मिलते हैं। जड़ भरत को लेके जाते हैं और उनको तो कुछ भी नहीं, वो तो भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं। उसको क्या कर रहे हैं, उसको पूरा तेल सुगंधित तेल से मालिश करते हैं, उसको स्नान कराते हैं, माला पहनाते हैं, वो खुशी से करवा रहे हैं। उसको कुछ नहीं, क्योंकि भगवान की रक्षा में होता है, उसको किसी का भय नहीं होता। भगवान के जो चरण है वो अभय प्रदान कर देते हैं, उसको किसी से भी भय नहीं लगता जो भगवान के संरक्षण में होता है। तो उनको तो भय लग ही नहीं रहा था। फिर पता है क्या लेकर आते हैं, जिससे बलि देते हैं ना, वो बहुत बड़ा एक इतना हथियार होता है, उसको लेकर आते हैं और उसकी गर्दन रखते हैं जहाँ पर बलि रखी जाती है देवी के चरणों में, वहां पर रखते उसका सर, और वो जो तलवार है उससे उसकी गर्दन काटने वाले होते हैं। और जैसे ही उसकी जड़बड़ की गर्दन काटने वाले होते हैं, उसी समय जो दुर्गा मैया है उसकी इतनी बड़ी विग्रह होती है, वो ऐसे जोर से धमाका होता है, उसमें से वो दुर्गा मैया प्रकट होती है, वो लंबे मात्र की। और उस समय वो दुर्गा मैया प्रकट होके वो पहले क्या करती है, जो राक्षस जो असुर होते हैं वहां पर, उन सबके जो सरदार है उसकी गर्दन काटती है। और उसके बाद जो सारे जिससे जो जितने भी उनकी टीम है, गैंग है, उस सबकी गर्दन काटती है। अच्छा, अभी हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि वो सारे जो वहां पर डाकू थे वो किसके पुजारी थे? देवी के पुजारी थे। और देवी ने क्या किया था? सबसे पहले अपने ही पुजारियों का वध कर दिया। क्यों पुजारियों का वध कर दिया? क्योंकि वो क्या कर रहे थे? भगवान के भक्त को मार रहे, एक वैष्णव को मारना चाहते थे। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि देवी जो है वो ज्यादा प्रेम किससे करती है? भगवान के भक्त जो वैष्णव होते, क्यों? वो स्वयं वैष्णवी है। देवी माता को ये पता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी पर भी है ना क्रोध नहीं करते, किसी के साथ अपराध नहीं करते, किसी को दुख नहीं पहुंचाते। मेरे भक्त तो भले मर जाए मगर भगवान का भक्त नहीं मरना चाहिए, उनको बचाते। उसी तरह से एक बहुत ही बड़े कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं जिनका नाम है चंडीदास। एक बार चैतन्य महाप्रभु जो है वो चंडीदास की कविता पढ़ रहे थे, तो नाम सुनकर ऐसा लगता है कि भाई ये कौन है? चंडीदास है, मतलब कोई माता का भक्त है। और चैतन्य महाप्रभु तो भक्त रूप में साक्षात भगवान है, राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप है। तो किसी भक्त ने कहा कि महाप्रभु आप चंडीदास की कविता पढ़ रहे हो, ये चंडीदास कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये चंडीदास जो है वो माता चंडी के बहुत बड़े भक्त थे। तो फिर क्या हुआ, असल में क्या था कि जो चंडीदास थे वो देवी माता के बहुत ही शुद्ध भक्त थे, और उनका एक छोटा भाई था वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। लेकिन वो हमेशा आपस में एक दूसरे को जो कहते थे, वो बोलते थे भाई माता बड़ी है, चंडीदास बोलते थे माता बड़ी है, और जो दूसरे होते थे उसके भाई वो क्या बोलते थे? कृष्ण बड़े हैं। तो उन दोनों के अंदर बनती नहीं थी। तो चंडीदास ने कहा देखो हम लोग ना बंटवारा कर दे, तुम मेरे किसी भी धन पर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, मेरे पास जो भी धन है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। उसने कहा मुझे चाहिए नहीं, मेरे लिए तो मेरा कृष्ण ही काफी है। अब क्या हुआ, चंडीदास के पास बहुत बड़ा बगीचा था, उसमें बहुत ही सुंदर बाग था, और बाग के अंदर बहुत सुंदर फूल थे, और वो जानता जो भक्त था वो जानता था कि फूल भगवान श्री कृष्ण को पसंद लगते हैं। तो उसने सोचा मैं ना इसके बाद में से कुछ फूल उठाकर भगवान के चरणों में रखूं। लेकिन उसको याद आया कि इसकी तो किसी भी वस्तु पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो उसने छोड़ा, बोला नहीं करता हूं। लेकिन एक इतना खूबसूरत फूल था, जब वो जा रहा था, घर तो वही था, जा रहा था, इतना प्यारा सा एक फूल था, उसने सोचा कृष्णा मैं तो इस फूल को नहीं उठा सकता क्योंकि इसने मना किया है, लेकिन तुम तो स्वीकार कर सकते हो ना, मैं तुम्हें मन से ही ये फूल तुम्हारे चरणों में समर्पित करता। अब भगवान श्री कृष्ण तो
भावग्राही जनार्दन। आप कहीं से भी कुछ अर्पण कर दो, आप वो स्वीकार कर देंगे। अगर आपके पास धन नहीं है, पैसे नहीं है ना, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप फ्रूट मार्केट में जाओ, जितने भी वहां पर फ्रूट के ठेले लगे हुए ना, भगवान श्री कृष्ण को बोलो ये मैंगो, ये पियर, ये अनार, ये एप्पल, ये बनाना, ये सारे फ्रूट मैं आपको समर्पित करता हूँ, भगवान वहीं से स्वीकार कर देते हैं। और दूसरी मजे की बात क्या होगी कि अब जो वो जो भी खरीदेगा वो क्या ले रहा है, भगवान का प्रसाद ले रहा है। आप फ्लावर मार्केट में जाओ ना, बहुत सारे फूल होते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते, आप इतने सारे फूल खरीद नहीं सकते। आप आंखें बंद करके बोलो हे गोपीनाथ, ये जितने भी फ्लावर्स है ना वो मैं आपको अर्पण करता हूँ, भगवान वहीं से स्वीकार कर देते हैं। भगवान तो भावग्राही है, लेकिन हम लोग इतने नालायक है, इतना भी नहीं करके, पैसे भी नहीं लग रहे, खाली सोचना है। आप बताओ, मैं आज बोला, आज आप फ्रूट देखोगे, कभी बोलोगे भगवान को अर्पण? वो मना कर रहे हैं, नहीं बोले ना क्या फर्क पड़ता है, मतलब बोले हैं तो वैसे भी खर्च नहीं होते हैं। बस जिधर भी आप जाओ वहां कृष्ण को याद। देखो बहुत अच्छी अच्छी मार्केट में ज्वेलरीज होती है जो हम लोग खरीद नहीं सकते, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस होते हैं, भगवान को अर्पित करते जाओ, बस बोलो भगवान ये तुम्हारा, भगवान ये तुम्हारा, भगवान ये तुम्हें अर्पण करता हूँ, भगवान ये तुम्हें अर्पण करता हूँ, ऐसे करो। वृंदावन में जाओ, सारी चीजों को भगवान को समर्पित करो। तो उसने क्या किया, जो फूल उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा उसको क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। थोड़ी देर के बाद चंडीदास आया, चंडीदास तो किसका भक्त था, माता का भक्त था। तो अचानक मतलब उसने वही वाला फूल उठाया और वही वाला फूल उठाकर माता के चरणों में समर्पित कर दिया। और आज जीवन में पहली बार माता ने उनके साथ बात की और माता ने कहा हे चंडीदास, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो गई। तो उसने सोचा आज मैंने इसका क्या स्पेशल कर दिया, रोजाना तो इसे ही सेवा करता हूँ, रोजाना तो मुझसे माता बात भी नहीं करती है, आज मैंने कुछ अलग किया क्या, माता मुझे बताइए मैंने ऐसा क्या किया। तो बोला आज तुमने मेरे प्रभु का प्रसाद मुझे मुझे दिया है, प्रभु का प्रसाद। फिर माता उनको बताती कि ये जो फूल तुमने मुझे दिया है, आपने देखा होगा जब आरती होती है तो भक्त लोग आरती करने के बाद फूल जो है भगवान को पहले समर्पित करते हैं, फिर सबको उसकी सुगंध कराते हैं ना, वो असल में वो भगवान का प्रसाद होता है। और भगवान का प्रसाद जब कोई भक्त स्वीकार करता है फिर वो महाप्रसाद हो जाता है। इसलिए जो पहले ब्राह्मण होते हैं, जब सीनियर डिवोटीज होते हैं, पहले उनको स्वीकारते हैं और फिर सारे भक्तों को सुनाते हैं ना। तो इस तरह से माता बताती है कि हे प्रिय भक्त, आज तो तुमने मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया क्योंकि मेरे प्रभु का प्रसाद तुमने मुझे समर्पित किया। तो इस तरह से फिर बोलती है माता कि हे चंडीदास, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या वरदान चाहते। तो उस समय वो बोलते हैं, चंडीदास कहते हैं माता मुझे पता नहीं है कि मुझे आपसे क्या मांगना चाहिए, आपके दर्शन हो गए, आपका आशीर्वाद मिल गया और मेरा संसार में जाने के योग्य है क्या, अब और क्या मांगू मैं आपसे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोला नहीं, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, मांगो तो मुझसे कुछ मांगो। तब चंडीदास कहते हैं माता अगर आप वाकई में मुझसे प्रसन्न हो तो जो आपको अच्छा लगता है वो मुझे बोलो, मतलब ऐसे मांगना चाहिए। आप देखो हम अगर कुछ मांगते हैं तो हमारी तो सोच भी इतनी है, हमारी बुद्धि इतनी भी, हम क्या मांगेंगे। लेकिन भगवान, अगर हम भगवान से मांगते हैं, माता से मांगते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो उनकी तो कितनी बुद्धि है, वो तो हमारे भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, वो तो हमें कितना कुछ दे सकते हैं। लेकिन हम भगवान के सामने कभी ये नहीं बोलेंगे जो आपको अच्छा लगता है वो, हम बोलेंगे ये अच्छा लगता है मुझे ये दो, एक पर्टिकुलर वस्तु बोलेंगे कि भाई मुझे ये पसंद है मुझे ये दो। हम पता क्यों बोलते हैं, हम भगवान के सामने जाकर अपनी फरमाइश पता है क्यों करते हैं, क्योंकि हमको लगता है मेरे पास ज्यादा बुद्धि है, मैं अपने अपने अच्छे बुरे को ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे ज्यादा पता है मेरे लिए क्या बेटर है, उसको थोड़ी ना पता है। तो हम भगवान को ज्यादा अकलमंद नहीं समझते, ज्यादा अकलमंद किसको समझते हैं, अगर बल्ले हम किसी के भी किसी देवी देवता की पूजा करते हैं
कम से कम इतना तो माने कि वो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, इतना तो हम माने कि वो मुझसे ज्यादा अच्छा डिसीजन ले सकता है मेरे फ्यूचर के लिए, इतना तो माने। अगर हम उसको अपनी रिक्वायर्ड, माता पिता भी अगर हमसे पूछते भाई क्या चाहिए, तो बोलते ना भाई आपको जो अच्छा लगता है वो, जो बच्चा ऐसे बोलेगा तो उसको कितना अच्छा मिलेगा, और बोलेगा नहीं मुझे इसी पर्टिकुलर यही चीज चाहिए तो उसको वही मिलेगी। तो माता है ये, दुर्गा माता है, और माता से ज्यादा अच्छा तो संतान के लिए और कोई नहीं सोच सकता ना। माता है, माता के अंदर एक ही इच्छा होती है कि मेरा संतान खुश रहे, मेरा बच्चा है उसको कोई कष्ट ना मिले, उसको कोई दुख ना मिले। तो माता से कहता है कि मैया आपको जो पसंद लगता है ना वो मुझे दो। तो उस समय चंडीदास को माता रानी जो है वो कृष्ण भक्ति का वरदान देती है कि मैं तुम्हें शुद्ध कृष्ण भक्ति का वरदान देती हूँ। और वहां से वो चंडीदास जो होता है वो एक बहुत बड़ा कवि बन जाता है। और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि उसी वरदान के बाद वो बहुत सारी कविताएं लिखते हैं। वो माता का भक्त, अब भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता, और आज भी उनकी बहुत सारी कविताएं जो है वो मिलती है गौड़िया वैष्णव जो उनको पढ़ते भी हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि माता की वास्तविक कृपा क्या है, कि वो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाकर भगवान की चरणों तक ले जाए। तो हम देखते हैं कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं, भाई हमने तो सुना है कि भगवत गीता बताने से पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के महाभारत में कहते हैं कि हे अर्जुन यदि तुम्हें भौतिक जगत का युद्ध जीतना है तो माँ दुर्गा की पूजा करो, है ना। अर्जुन ने महाभारत में दुर्गा मैया की पूजा की है। युधिष्ठिर महाराज ने महाभारत, युधिष्ठिर महाराज ने ऋषियों से पूछा कि मुझे हमारे पास जो ब्राह्मण आते हैं उनको मुझे भोजन खिलाना है, तो आप मुझे बताओ कि मेरे पास तो धन दौलत है नहीं, मैं तो खुद ही वनवास में हूं तो मैं कहां से लाऊं। तो वो कहते हैं आपको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। तो आखिर ऐसा क्यों है, भगवान जब भगवान है सामने तो क्यों अर्जुन को बोलते हैं कि भाई आप माता दुर्गा की पूजा करो, सवाल होता है ना। हम जब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी तो किसी और की पूजा करने की जरूरत नहीं, साक्षात भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तुम्हें शक्ति की उपासना करनी चाहिए, क्यों कहते हैं ऐसा। तो हमें खाली एक एक ही सीन देखकर पूरी पिक्चर को नहीं समझना है, आगे क्या होता है उसको भी देखना है। जब अर्जुन माता रानी शक्ति माता की उपासना करते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद माता अर्जुन को दर्शन देती है और दर्शन देके कहती है अर्जुन तुम्हारी विजय तो ऑलरेडी निश्चित है, तुम्हें कोई साधारण दुर्योधन इत्यादि तो क्या, अगर देवता भी स्वर्ग से उतर के आएंगे ना तो तुम्हें नहीं हरा सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ परम पुरुष भगवान आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण योग योगेश्वर जो समस्त शक्तियों से शक्तिमान है वो तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर ये हमें समझना चाहिए कि भगवान ने तो अर्जुन से कहा कि आप दुर्गा मैया की पूजा करो, लेकिन दुर्गा मैया ने कहा कि मेरे जो शक्तिमान है जो मैं आदि पुरुष है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो इसका मतलब है यहाँ पर माता दुर्गा के द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ हैं उन्हीं की विजय होती है ना। माता के साथ अभी कंस है, वो माता का पुजारी है, लेकिन उनकी विजय तो नहीं हुई, विजय तो किसकी हुई। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे है ना इतिहास है, बहुत सारे ऐसे राक्षस है जो कि है ना माता की पूजा करते हैं लेकिन फिर भी भगवान के भक्त होते हैं उन्हीं वो जो है वो उनको हरा देते हैं, माता उनकी रक्षा नहीं करती। ऐसा नहीं था कि कंस की जब मृत्यु हो रही थी तो माता बोले कि भाई कृष्णा ये कंस तो मेरा पुजारी है तो आप इसको मारो नहीं। माता जानती कि मारेंगे कृष्णा तो भी उसका कल्याण होगा। माता का काम क्या है, केवल अपनी संतान का कल्याण करना। तो हमें ये जानना चाहिए कि माता से मांगे क्या, अगर ये भौतिक वस्तुएं मांगेंगे तो माता देगी, साथ में पिटाई भी होगी, साथ में दुख भी मिलेंगे। तो हमें ऐसा क्या मांगना चाहिए, हम आज ये जो बहुत ही सुंदर नवरात्रि का पर्व है हम सबको मिलकर माता रानी से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, माता आप मुझे सही रास्ता दिखाओ,
वो कौन सा रास्ता है? एक माँ ही बता सकती है आपके पिता कौन है, एक माँ ही बता सकती है कि जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा कैसे मिलेगा। आप माता से ये प्रार्थना करें, माता आप तो आदि शक्ति है, आदि शक्ति आप मुझे बताओ कि वो शक्तिमान कौन है जिसकी शरण में जाने के बाद मुझे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा, मैं बारम्बार आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कष्टों से छूट जाऊंगा। तो तभी माता जो है वो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वरदान देती है। तो इस तरह से हमें यहाँ से ये सीखना चाहिए कि देवताओं की पूजा भी गलत नहीं है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे शास्त्र में ऐसे बहुत सारी बातें हमको पढ़ने के लिए मिलती हैं जो भौतिक जगत में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये प्राप्त करना चाहते हैं, वो इसी तरह से अलग अलग पर्व में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन वो लोग जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं, वो लोग जो आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कष्टों से छूटना चाहते हैं, वो जो भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, वो देवताओं की पूजा नहीं करते। लेकिन अगर ऐसे पर्व होते हैं जैसे अभी नवरात्रि का पर्व है और हम माता की शरण में जाते हैं, तो उनसे क्या मांगते हैं कि आप हमें शक्ति दीजिए, वो शक्ति प्रदान करती है, आप हमें शक्ति दीजिए कि हम इस भौतिक जगत की जो बहुत ही कठिन सफर है उसमें हम भगवान की भक्ति करके आध्यात्मिक धाम को प्राप्त कर सकें। और अगर हम सच्चे हृदय से माता से प्रार्थना करेंगे तो माता अवश्य हमें शक्ति प्रदान करेगी और हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बहुत सरलता से कर सकेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा ये मेरी माया है और मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है और भगवान की शरण में जाने का भी आशीर्वाद यदि हमें उन्हीं की माया से मिले तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आप सबका बहुत बहुत आभार, जो इतना प्रेम से श्रवण किया, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं गुरु और गौरेंद्र को प्रसन्न करके अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथ भगवद्गीता मात की जय।